व्हाट इज पॉपुलेशन, उसको तुम ए बी सी पार्ट में बांटना। ए इंट्रोडक्शन बोलना। नाउ बिगनिंग ऑफ द सेंचुरी 1900 के आसपास वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो था 130 करोड़ के आसपास था, वर्ल्ड का पॉपुलेशन। 2020 आते आते, ठीक है, ये पॉपुलेशन करीबन 7.780 करोड़ पकड़ लो हो गया, मतलब करीबन 5 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं। सो तुम इंट्रोडक्शन में बोल सकते हो, बिगनिंग ऑफ दिस सेंचुरी 100 साल पहले वर्ल्ड का पॉपुलेशन 130 करोड़, आज तो भारत का पॉपुलेशन 130 करोड़ हो गया है, और 2020 780 करोड़, मतलब विद इन 2025 ये आंकड़ा बहुत फास्ट ग्रो होने वाला है, मतलब इट कैन बी 900 करोड़ हो जाएगा कुछ ही साल में। हम इंडिया का स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। इंडिया एट द टाइम ऑफ 1947 पॉपुलेशन वाज ओनली 35 करोड़। 2020 आते आते, अब मैं 2011 का सेंसस का आंकड़ा पकड़ के जोड़ू तो 130 करोड़ का पॉपुलेशन हो गया, मतलब अपन अपना ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा रहा है। और जैसे जैसे आगे वर्ल्ड बढ़ता गया, तुम देखो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत फास्ट बढ़ा। एक सिंगापुर में पॉपुलेशन इज 42 लैक्स, चाइना का पॉपुलेशन इज क्लोज टू 140 करोड़, मतलब हो सकता है कि चाइना को हम 2031 में ओवरटेक करेंगे। शायद 2031 का जब सेंसस आएगा तब हम चाइना को ओवरटेक करेंगे। सिंगापुर का पॉपुलेशन जो है वो 630 किलोमीटर में स्प्रेडेड है, और चाइना का पॉपुले जो एरिया है दैट इज 95 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर मतलब दिस वे दिस वे दिस वे दिस वे स्क्वायर किलोमीटर्स है, ठीक है ना। और तुम इंडिया का बोलोगे यदि कितना किलोमीटर्स है, तो तुम ऐसा सोच सकते हो कि 32 लाख किलोमीटर। इसका मतलब अपने से चाइना 3 टाइम्स है लैंड एरिया में। जो चाइना है, इफ यू चेकआउट इंडिया और चाइना, चाइना अपने से लैंड वाइज 3 टाइम्स है, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ बोलते ना 10 करोड़ जितना ज्यादा है। तो तुमको समझ में आएगा कि जो पॉपुलेशन है वो इंडिया का बहुत ज्यादा है। इसमें और डिटेल हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे तुम फिलहाल और एक इंट्रोडक्शन का पेज में दूंगा जो तुम बोल सकते हो। तुम बोल सकते हो रशिया का जो एरिया है इज 7 टाइम्स देन इंडिया, इंडिया से 7 गुना है, लेकिन इंडिया जाने दो, सिर्फ उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन जो कि 20 करोड़ है आज की तारीख में, तो 24 करोड़ है टुडे, ये 20 करोड़ जो है वो रशिया से भी ज्यादा है। मतलब तुम सोचो कि जो हालत है इंडिया की, हम लोग रशिया के 7 टाइम्स लेस है। इंडिया का जो वर्ल्ड का एरिया है, इफ ये वर्ल्ड ले लो इसमें इंडिया ले लो, इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4%, जबकि रशिया ऑक्यूपाइज 14 to 15%, और यहाँ पे वर्ल्ड का 1/6 पॉपुलेशन है। अच्छा ये सर नॉर्थ अमेरिका में इधर ले लो कनाडा, इधर आता है कनाडा, कनाडा अपने से 3 टाइम्स बड़ा है, लेकिन कनाडा का भी पॉपुलेशन इंडिया का, ये जो यूपी है
यूपी से भी कम है कनाडा का पॉपुलेशन। तो ये स्थितियां इंडिया के हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे मन में आएगा, ये इंट्रोडक्शन था, तुम ये थोड़ा स्टैटिस्टिक्स लिख सकते हो। नेक्स्ट तुम लिखोगे कि बी मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना, मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन। इसको हम अलग अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला पार्ट तुम बोलोगे सोशियोलॉजी के हिसाब से जो डेफिनेशन है, मतलब पॉपुलेशन को जो डेफिनेशन है वो अलग अलग सब्जेक्ट एरिया के हिसाब से थोड़ा सा फर्क आता है। सोशियोलॉजी में बोलेंगे सिंपल सा डेफिनेशन है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ह्यूमंस। सोशियोलॉजी बोलता है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ ह्यूमंस। यदि डेमोग्राफी वाइज जाए हम डेफिनेशन एज अ फील्ड ऑफ डेमोग्राफी, वो बोलता है कि इट इज द स्टैटिस्टिकल इट इज द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब क्वांटिफाई करते हैं। इन शॉर्ट उसको टेक्निकल भाषा में हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। सोशियोलॉजी तो बस कलेक्शन ऑफ ह्यूमंस की बात करता है, ऑब्जेक्टिव मतलब विच इज काउंटेबल। तो डेमोग्राफी उसको काउंट काउंटिंग में चला जाता है, जैसे आपने देखा था ना फॉर एवरी 1,000 बर्थ रेट इज इन 19 है इंडिया में। अच्छा अभी इकोनॉमिक्स का विचारधारा क्या है, हम एक ही वर्ड पॉपुलेशन उसका अलग अलग मिस इंटरप्रिटेशन देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कार वर्ड आया, ठीक है ना, पेरेंट्स के लिए फादर बोलेंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मदर बोलेंगे हॉलिडे के लिए, लड़का बोलेगा ड्राइविंग फन के लिए, लड़की बोलेगी कि जस्ट एक ब्रेक, ठीक है ना। सबके विचारधाराएं अलग है। फ्रेंड्स बोलेंगे चलो पार्टी के लिए गाड़ी मिल गई। सो एक ही वस्तु के अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, वैसे पॉपुलेशन के अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। अभी इकोनॉमिक्स में अभी एक कंसेप्ट है जिसको हम पर कैपिटा इनकम बोलेंगे। पर कैपिटा इनकम मतलब इंडिया में एक आदमी कितना कमाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जो नेशनल इनकम है वो करीबन 2 लाख करोड़ है, ठीक है ना, पूरे देश की कमाई 2 लाख करोड़ है। इफ यू डिवाइड बाय द पॉपुलेशन तो तुमको मिलता है पर कैपिटा इनकम। ये सो इकोनॉमिक्स में पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए सो इंडिया का एक आदमी कमाएगा 1.5 लाख रुपया। तुम बोलोगे गरीब लोग तो कमाते नहीं ज्यादा, मैं बोल रहा हूँ कि देश का जो नेशनल इनकम है डिवाइडेड बाय देश का जो पॉपुलेशन है। तो इकोनॉमिक्स पॉपुलेशन का यूज करता है कि देश का आमदनी डिवाइडेड बाय देश का पॉपुलेशन, कि एक आदमी ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपया कमाता है। यही अमेरिका में करीबन 35 लाख है, बाहरीन में करीबन 40 लाख है। इसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, उसके लिए यूज होता है। इसमें फिर और भी वैरायटी है, पर कैपिटा कंजम्पशन और बहुत सारे, पर कैपिटा सेविंग्स, बहुत सारे डायमेंशन आ जाते हैं। फोर्थ इज बायोलॉजी। बायोलॉजी बोलता है, बोलते ना, बायोलॉजी बोलता है इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ स्पेसिफिक स्पीसीज, मतलब जिससे पॉपुलेशन बढ़ता है ब्रीड करके। सो ये बायोलॉजी का बोलना है। सो इन सिंपल लैंग्वेज तुम बोलोगे देन पॉपुलेशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, हम उसको सिंपल सा बोल देते हैं, व्हाट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया, बोल सकते हैं हम लिविंग इन एन एरिया ऐसे भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल जो एरिया में रहते हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम।
पॉपुलेशन क्या है? नंबर ऑफ पीपल रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे इंडिया में आज की तारीख में 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, दैट इज व्हाट इज पॉपुलेशन, में इंट्रोडक्शन और मीनिंग खत्म होता है। तुम यही पार्ट लिखोगे, ओके। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।